जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से भूमि कब्जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का नाम सामने आने के बाद अब वह पत्रकारों से रूबरू हुए और इस मामले पर सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए योगेंद्र उपाध्याय ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सबके पीछे मनोज यादव का हाथ है जो सैफई से जुड़ा हुआ है। देखिए, अनावश्यक रूप से कुछ राजनीतिक लोगों ने मेरे नाम को शामिल किया और आधार दो बताए। पहला आधार तो ये बताया कि एक एग्रीमेंट 20 साल पहले का एग्रीमेंट की ब्याज 10 साल की, एग्रीमेंट की ब्याज खत्म हो गई, एग्रीमेंट खत्म हो गया। बल्कि मैं अपने बिहाफ पर कहता हूँ, मैंने तो 6 महीने पहले विड्रॉ कर लिया था। जब मुझे लगा इस जमीन में कोई विवाद आ गया तो मैंने ऋषि गुप्ता के साथ एग्रीमेंट हुआ। ऋषि गुप्ता का भाई पे तो अलग उड़ना चाहता हूँ। मैंने अपना बहुत नॉमिनल पैसा दिया था बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने लिखित रूप में दे दिया कि मैंने, और इसलिए मेरा तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा, सबका ही कोई मतलब नहीं रहा। ऋषि गुप्ता का एग्रीमेंट टाइम पार हो चुका, कालातीत है। आप पुलिस के तमाम अधिकारी, देखिए पुलिस ने कब्जा कराया, चाहे जिसका कराया वो गलत है। पुलिस कब्जा कराने वाली कोई नहीं है, चाहे रवि यादव का कराया हो या आप लोग जैसा कह रहे हैं। मेरे को मेरे को जानकारी में जैन साहब का कब्जा था पहले, मनोज यादव जिसने कम से कम 6-7 करोड़ रुपए खर्च करके इसकी रजिस्ट्री फर्जी रूप से सामने मानते हैं। केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी 2 बार सरकार, उसके बाद भी सैफई परिवार का आदमी आगरा में जमीन पर कब्जा करवा रहा है, यही विडंबना है जिसकी जांच कराऊंगा। आपने कहा कि 84 में अटल सिंह जो है उन्होंने विड्रॉल कर लिया था और पैसा लेके चले गए, उसके बाद फिर वो रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं? कोर्ट में भी गए 2004 में, थाने भी, तो यही तो विषय है। रजिस्ट्री जब कर रहे हैं तो इस पर मुकदमा होना चाहिए। मेरा कहना यही है कि जिन पर मुकदमा होना चाहिए फर्जी काम करने वो तो होने हुए नहीं है, और जो असली मालिक थे उन्हें बाहर कर दिया।